आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डीसी करनाल बोल रहा हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है, कोरोना वायरस का संक्रमण पूरे विश्व में फैला हुआ है और इसको महामारी घोषित कर दिया गया है। भारत में भी, हरियाणा में भी और विशेष रूप से करनाल में भी कुछ मामले इसके पॉजिटिव आए हैं। एहतियात के तौर पे और इसके संक्रमण को रोकने के लिए, इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए, सरकार ने तुरंत प्रभाव से जितने भी हमारे धार्मिक संस्थान हैं, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, उनको बंद करने का फैसला लिया है। जितने भी हमारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जो भी इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, वो आगामी आदेशों तक अभी बंद रहेंगी। वहाँ पे किसी भी प्रकार का जो धार्मिक जमावड़ा है, उसको अभी कानूनी तौर पे अलाउ नहीं किया गया है, उसकी स्वीकृति नहीं दे रखी है। इसी प्रकार से जो भी कोई मूवमेंट होती है, जो भी कोई आवाजाही होती है, अगर वो अति आवश्यक ना हो और मेडिकल इमरजेंसी या कोई आवश्यक सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए ना हो, इसके अलावा उस वो सारी मूवमेंट्स भी बंद कर दी गई हैं। इसलिए जो धार्मिक उद्देश्य से जिस भी तो कोई भी आवाजाही है, उसको अभी बंद किया गया है। मेरी सभी धर्मों के जो धर्म गुरु हैं, जो अनुयायी हैं, मानने वाले हैं, सबसे यही आग्रह रहेगा कि जो सरकार के फैसले हैं, उनमें अपनी कदम से कदम मिलाकर के सहायता दें, ताकि हम इस महामारी से लड़ सकें। और जैसे ही सरकार से आगामी आदेश आते हैं या जो स्थिति में सुधार होता है, तो तुरंत आपको उसके बाद अपडेट किया जाएगा।